लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीतकर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। इस चुनाव में सपा का MY यानी कि मुस्लिम यादव फॉर्मूला हिट रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस चुनाव में सिर्फ 4 मुस्लिम और 5 यादव को टिकट दिया था और सभी ने जीत दर्ज भी की। सपा के MY का इस चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बार यूपी में 5 यादवों को टिकट दिया था। ये सभी यादव परिवार से ही ताल्लुक रखते हैं। इनमें अखिलेश यादव खुद कन्नौज सीट से मैदान में थे, तो वहीं उनकी पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी से, चचेरे भाई अक्षय यादव फिरोजाबाद से, बदायूं से आदित्य यादव और आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव चुनाव में थे। इनमें से किसी ने भी निराश नहीं किया, उन्होंने सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। परिवार के 5 सदस्यों के अलावा अखिलेश यादव ने किसी अन्य यादव को टिकट नहीं दिया था। वहीं मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने में भी अखिलेश यादव ने काफी सावधानी बरती। सपा ने 4 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया। इनमें संभल लोकसभा सीट से जियाउर रहमान बर्क, रामपुर से मुहिबुल्ला, गाजीपुर से अफजाल अंसारी और कैराना सीट से इकरा हसन को टिकट दिया गया। यादव प्रत्याशियों की तरह सपा के 4 मुस्लिम उम्मीदवारों ने भी जीत दर्ज की है। इस तरह लोकसभा चुनाव में सपा के MY फॉर्मूले ने जीत का 100% स्ट्राइक रेट दिया। यही नहीं, अखिलेश यादव ने इस बार उम्मीदवारों के चयन में सभी जातियों का खासा ध्यान रखा था। अखिलेश यादव गैर यादव OBC उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा और इसका फायदा भी उन्हें देखने को मिला है। सपा ने न सिर्फ यूपी में सबसे ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की, बल्कि वो देश की सबसे ज्यादा सांसदों वाली तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। इस लिहाज से पहले नंबर पर BJP और दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी है।